गाइस, मैं हूं कामनी और स्वागत है आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल कामनी सिंह पे। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड कब से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूं, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग शेयर कर रही हूं, तो आप लोगों ने प्यार भी बहुत ज़्यादा दिया है, मुझे सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। बट कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, जैसे मेरी कुर्तीज देख के कि दी अपनी कुर्ती कहाँ से ली है, उसका रिव्यू करो, उसके लिए कोई हॉल बनाओ, अपनी कुर्ती हॉल बनाओ। एंड जो स्किन केयर होता है वो आप कैसे करते हो, हेयर केयर होता है वो आप कैसे करते हो, इस पर भी कोई वीडियो बनाओ। तो बहुत ज़्यादा इस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे। मैंने अमेजन से जो प्रोडक्ट्स लिए हैं वो वहाँ पर कम रेट में मिल जाते हैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ चलता रहता है, कभी 70 कभी 30 ऐसे परसेंट ऑफ आते रहते हैं। तो बहुत ही सेम, मतलब हमारा पॉकेट मनी बच ही जाता है, उसमें से निकल ही आता है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है, ये है मामा अर्थ का ऑनियन हेयर शैम्पू है ये। और ये मैंने जो लिया है ये अमेजोन से लिया है, और इसकी जो प्राइस है 559 है। एंड अमेजोन पे इस पर 10% ऑफ चल रहा था, तो इसलिए ये मुझे 500 में मिल गया, मतलब 502 रुपीज़ में ये मुझे मिल गया। तो इसमें से मुझे पैसे बच गए 57 रुपीज़। बालों में यूज किया है मामा अर्थ का ऑनियन शैम्पू। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादा मामा अर्थ का ब्रांड जो है, बहुत सी चीज़ें उसके ब्रांड मामा अर्थ के ब्रांड का यूज करती हूँ। तो अमेजोन से मैंने ये ऑनियन शैम्पू मंगाया है, इससे बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऑनियन शैम्पू से बाल जो है उसका झड़ना कम हो जाता है। ओके, मैंने एक बहुत पहले भी, कुछ 2-3 महीने पहले या 3-4 महीने पहले एक फिलिप्स का स्ट्रेटनर लिया था जो कि काफ़ी अच्छा था, बट वो मैंने किसी को दे दिया, किसी को क्या, मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। सो मुझे वो वही वाला बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसी में का मैंने ये दूसरा मंगाया, फिलिप्स का ये स्ट्रेटनर। तो इस पर 8% ऑफ चल रहा था, और इस पर जो है इसका जो स्ट्रेटनर है ना, इससे काफ़ी अच्छे से बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं एक ही बार में। तो ज़्यादा भी ब्लॉग वगैरह में आप लोग मुझे देखते हुए, मैं यही यूज करती हूँ। एंड इस पर 8% ऑफ चल रहा था, तो ये आई थिंक 1100 कुछ रुपीज़ का था। मैं अभी आप लोग बताती हूँ, ये वाला जो स्ट्रेटनर था आपको मिलेंगे, इसका जो रेट है 1200 है, 1194 रुपये, ठीक है। लेकिन ये मिला मुझे है सिर्फ 1095 रुपीज़ में, तो इसमें 8% ऑफ चल रहा था। इसके बाद जो थर्ड प्रोडक्ट है वो मैं, ये है मेरा स्किन केयर में, अब आ जाते हैं स्किन पे। सो स्किन के लिए टोनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले यूज कर लेती हूँ, तो टोनर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन के लिए, क्योंकि इस टोनर से जो आपका फेस है, स्किन है, वो हाइड्रेट रहता है। सो मैंने जो टोनर लिया है गुड वाइब्स का लिया है, कुकुम्बर ग्लो टोनर है ये। थोड़ा सा ऐसा आपको डक कट कर लेना, ये सब मेकअप के पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका जो है ना ऐसे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी आपकी स्किन पे, ड्राई सा नहीं होगा। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, देखो ऑब्जर्व हो गया। तो ये वाला आपको मार्केट में मिलेगा 195 रुपीज़ का, बट इस पर चल रहा था 15% ऑफ, और ये मुझे मिला 166 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने अमेजोन से मंगाया हुआ था। नेक्स्ट जो है आपको, उसके अलावा जो आपने जो टोनर यूज किया है, तो उसके बाद आपको अपने फेस पे क्या यूज करना होता है, मॉइस्चराइजर। मैंने इसलिए सीक्वेंस में बता दिया आप लोगों को, आप लोगों को लगेगा सिर्फ हॉल है, हॉल नहीं, मैंने अपने जो स्किन केयर है जो मैं करती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी जो मैं रेडी हुई हूँ, जो मैं तैयार हुई हूँ, तो उससे पहले मैंने यही किया था, आपने अभी वीडियो में देखा। नेक्स्ट मैं यूज करूँगी ये मेरा जो मॉइस्चराइजर है, ये फेवरेट मॉइस्चराइजर है न्यूट्रीडर्म्स का, ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है। मैं हमेशा, जब से मैंने इसे यूज करना शुरू किया है, ये मुझे बहुत अच्छा सूट भी करता है, जब से मैंने यूज करना शुरू किया है मैं इसे ही यूज कर रही हूँ। इसे एक्चुअली मैं यूज करी, बट पैकेट मुझे आप लोगों को दिखाना था, ऐसे पैकेट में ही आएगा। और ये रहा मॉइस्चराइजर, इसमें विटामिन ई है मॉइस्चराइजर लोशन में, 125 ml का है। जैसा कि आप लोगों को पता है स्किन के लिए विटामिन ई बहुत ही अच्छा होता है, सो ये तो मैं ज़रूर यूज करती हूँ, और मेकअप से पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
स्किन केयर में आपका मॉइस्चराइजर और टोनर कंपल्सरी है, ज़रूर होना चाहिए। ये सब तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, बट आप लोग हमेशा कमेंट करते हो ना, दी बताओ बताओ बताओ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। और मैंने प्रोडक्ट्स जो लिए बहुत ही कम रेट में मिल गए, ऑफ मिल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो हाँ, एक और बात, मैं अभी जाने वाली हूँ कहीं, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ, इसलिए मैं उससे स्किन केयर रूटीन आप लोगों से पहले शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने जो घर में हमेशा जैसे मैं रहती हूँ, तो जब भी मैं नहा के आती हूँ तो पहले टोनर, फिर मॉइस्चराइजर, उसके बाद मैं लिप बाम लगाती हूँ। हमेशा लिपस्टिक नहीं लगाती मैं घर में। सो मैं लिप बाम अभी तक दूसरे किसी और कंपनी का यूज़ कर रही थी। ये है मेरा लिप बाम, ये जो लिप बाम है ना शुगर का है, ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, बट मैंने सोचा कि एक बार मैं ये ट्राई करती हूँ। सो मैंने ये वाला लिप बम ट्राई किया, और सीरियसली गाइस ये लिप बम काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है ये लिप बम। अभी तक मैंने जो भी ट्राई किया उसमें सबसे अच्छा लगा। क्या लिया, टिप्स लिप्स मॉइस्चराइजर बाम है ये। इसका जो शेड है ना, ये 0.2 है, उल्टा दिखाई दे रहा, सीधा आप लोग को दिख रहा होगा, 0.2 है ये। और इसका कलर जो है, तो इसको ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा लिप्स हमारे हो जाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से। कितना अच्छा कलर लग रहा है ना। एक्चुअली ये जो लिप बाम है ना, तो हल्का कलर भी देता है आपके लिप्स पे। सो आपको अगर लिपस्टिक नहीं लगा रहे हो और लिप्स जो है आपको उसकी केयर करनी है, तो लिप बाम तो जरूरी, लिपस्टिक से पहले भी लिप बाम लगाना जरूरी होता है। बट अगर आप ऐसे भी घर में रह रहे हो लिपस्टिक नहीं लगाना, तो भी आप ये लगा सकते हो, और हल्का सा शेड भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। कोई ऑफ नहीं चल रहा है, तो ये मुझे 199 रुपीज़ में ही मिला है, देख लिया मैंने, इसमें कोई ऑफ नहीं है। बट ये जो लिप बाम है काफ़ी अच्छा लिप बाम है, सो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। सो गाइज, आज का हॉल आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे लगे आप लोग बताइएगा। प्रोडक्ट्स जो भी मैंने अभी यूज़ किया बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, मैं हमेशा वो वाले यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो हॉल है, मतलब अभी तो नहीं, दो तीन ब्लॉग के बाद ही शेयर करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अमेज़ॉन कुर्ती हॉल। जो अभी आप लोगों ने मुझे मायके में देखा, तो मुझे सारी कुर्तियाँ पहनते हुए, रील बनाते हुए, फ़ोटो लेते हुए, वो सारी कुर्तियाँ जो भी है वो सबका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कैसे प्रोडक्ट है, कितने का है, उसके सबके लिंक देने वाली हूँ। और हाँ, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाए, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। फिर से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।